Hello everyone, and this is Ankur Banerjee. I'm from JU Civil Engineering Department, first year. So, इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि अभी सिर्फ 7 to 8 days बाकी हैं WBJ एग्जाम के लिए और 30th अप्रैल आप लोगों का एग्जाम है, तो उस एग्जाम को आपको बहुत अच्छे से देना होगा, ठीक है। इस एग्जाम के लिए अगर आप बैठे रहोगे, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, फिर इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये हर साल होता है पर कुछ नहीं होता। एक ना एक डेट आपको देना ही होगा एग्जाम, और आपको एग्जाम में बैठना ही होगा। तो मैं सजेशन दूंगा 30th अप्रैल को मान के चलो, जब एग्जाम होगा प्रिपरेशन वैसे ही रखो, क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो आप लोग फंस जाओ। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, वो है कैसे प्रिपरेशन करेंगे इस 7 days में। 7 days मतलब सिर्फ 7 days, इट्स नॉट लाइक 1 month। तो आप लोगों के पास सिर्फ 7 days है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी 7 days का ही होना चाहिए। अभी आप लोग का जितना हुआ है उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत करो। अभी अगर अगर आप लोग अभी एक्स्ट्रा करने के चक्कर में पड़ोगे ना, तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगा उसको कोप अप करने के लिए। जो भी आपने किया है उसको अच्छे से पढ़ो और फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में वही गलत कर दिया जो आपने किया है और फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओ, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज डू व्हाट यू हैव डन टिल नाउ परफेक्टली। फर्स्ट डू इट वेरी मच परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पढ़ो, जो भी करना है MCQs, जो भी आपने किया है पूरा साल उसको रिविजन करो, बार बार कर देखो। सब्जेक्ट्स वाइज बात करें, मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो, मैथ्स में नेगेटिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मैथ्स में Category 2 और 3 इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं। Category 3 तो करना ही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, जो भी मन चाहे कर देना। अभी पूरा स्ट्रैटेजी और स्पीड एंड एक्यूरेसी, इस तीन चीज़ में पूरा तुम्हारा सिलेक्शन जा रही है। अगर तुम्हारा अच्छे सिलेबस खत्म हो गया है, प्रैक्टिस करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, 1000 2000 3000 के अंदर रैंक आ जाएगा इजीली। अगर तुम्हारा अभी भी उतना अच्छा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, जो भी है उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट यहाँ पर है, इसको देख लेना, और उसके बाद उसको बेस करके तुम अपना प्रिपरेशन बनाओ, और देखना जो भी उसमें से आए सब क्वेश्चन उनको आना चाहिए। अगर वो तो हो गया, तुम्हारा इजीली रैंक 5000 to 6000 इंप्रूव कर सकता है नेचुरली। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, MCQ प्रैक्टिस में सिर्फ टिक मार्क मत करो, तुम कोशिश करो कि OMR फील का हैबिट रखने की। अगर OMR फील का हैबिट तुम्हारा नहीं रहेगा, मेन एग्जाम के दिन क्या होगा, तुम क्वेश्चन करोगे टिक करके और फिर OMR फील करने भूल जाओगे, वहाँ पर मार्क्स रह जाएगा। जो मेरा सजेशन होगा, जब तुम OMR फिल क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके साथ ही OMR फिल कर देना, क्योंकि जो भी तुम्हें आएगा वो तुम OMR फिल कर देना, क्योंकि बाद में अगर फिर से तुम करने जाओगे हर बारी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, ए को बी, बी को सी हो जाता है, वो मत करना, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। जो भी आता है वो करके तुम OMR फिल कर दो, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, सब हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है, OMR में प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेन एग्जाम OMR में। ऑल द बेस्ट, अभी भी 7 days है, जी जान लगा दो, दिन रात पढ़ो और ड्रीम कॉलेज अचीव करो।